हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे बिगनर्स जो है बहुत आसानी से बना पाएंगे। और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, यानी कि 6 के गुने में, प्लस आपको इसमें 2 फंदा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 2 फंदा एक्स्ट्रा रखना है एज स्टिच का। और ये डिजाइन जो है आपका फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा, यानी कि सीधी तरफ से, और 16 सिलाइयों में जाके ये डिजाइन आपका कंप्लीट होगा। जो मैं आपको 16 सिलाइयां बताऊंगी, वही आप बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए डिजाइन पैटर्न की फर्स्ट रो है हमारी फ्रंट साइड से, यहाँ पे देखिए। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो है, फर्स्ट फंदा हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बना लेंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे और 6 फंदे बनाएंगे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 6 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। यही करते हुए जाएंगे, फर्स्ट रो में 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे। इस तरह से ही फर्स्ट रो को हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6 फंदे हमने बना लिए सीधे, एज स्टिच बनाएंगे सीधा। अब देखिए रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड हम यहाँ पे फर्स्ट फंदा जो है वो तो स्लिप कर लेंगे, और उसके बाद पूरी रो जो है उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से, देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो मेकअप वाला चैनल है वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ। तो एक बार जाके देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आपने मुझे इस चैनल पर प्यार सपोर्ट दिया है, वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3 और रो 4 सेम रो 1 की तरह बनेगी, रो 1 और 2 की तरह बनेगी। देखिए इस तरह से 1 फंदा स्लिप करके 6 फंदा उल्टा बनाएंगे और 6 फंदा सीधा। देखिए इस तरह से 6 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा। इस रो को हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेंगे, मैं कट नहीं करना चाहूंगी लेकिन मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी। 6 फंदा सीधा, 6 फंदा उल्टा, ठीक है। ये देखिए रो 3 हमने रो 1 की तरह बना ली, अब रो 4 रो 2 की तरह बनेगी, यानी कि पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे इसे भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस डिजाइन में जितनी भी सिलाइयां है ना, पूरी 16 सभी पीछे से जो रॉन्ग साइड से है ना उल्टी उल्टी ही बनेंगी। देखो पूरी लाइन हमने उल्टी बना ली और रो नंबर 5 पे आ गए। इस तरह से ये बना है रो नंबर 5। देखिएगा ध्यान से, जहां हमने ये उल्टा उल्टा बनाया ना, पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदा सीधा बनाएंगे, बीच का 2 फंदा पे डिजाइन डालेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। तो देखिए 2 फंदा का 1 फंदा है, 1 का 3 करेंगे, 1 धागा घुमाएंगे, 2 फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे तो 1 से 3 हो गया। फिर नेक्स्ट वाला भी 1 से 3 करेंगे, 1 2
अगले दो फंदे सीधे, और ये जो छह फंदे सीधे हैं इनको सीधा ही बनाते जाएंगे। सॉरी, दो फंदा सीधा, ये जो उल्टे फंदे हैं ना उसमें दो फंदे हमने सीधे लिए। अब दो फंदे पे हम ये डिजाइन डालेंगे ऐसे, 1 2 3, फिर इस पे डालेंगे 1 से 3 करेंगे, 1 2 3। दो फंदे सीधे और ये बाकी के जो छह फंदे हैं उनको सीधा ही बनाएंगे। आठ सलाइयों के बाद ना ये जो सीधे फंदे बन रहे हैं ना वो चेंज होंगे। तो देखिए, पांचवी सिलाई बना ली, छठवीं सिलाई देखना, बस थोड़ा छठवीं सिलाई पे चेंज आएगा। वैसे तो उल्टा उल्टा ही बनाना है, लेकिन जो फंदे हमने स्लिप किए थे ना, वो सॉरी 1 से 3 बनाए थे, उनको थोड़ा सा अलग लेना है। बस मैं आपको भी बता देती हूँ, देखो ये फंदा है जो हमने 1 से 3 किया था, तो इसको हम स्लिप कर लेंगे, ऐसे इन्हें भी स्लिप कर लेंगे बस, और सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर जब आएंगे 1 से 3 वाले फंदे जब भी, तो उनको स्लिप कर लेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखो स्लिप किया, ये भी स्लिप किया। ये देखिए, छह सलाइयां हमने बना के कर ली कंप्लीट। और सातवीं सलाई ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ये आया। अब सातवीं सलाई पे इसमें हम लीफ का शेप देंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, जो तीन फंदे हैं ना ऐसे पकड़ेंगे और इन दोनों को इधर ले आएंगे और तीन फंदों को आगे ले आएंगे और इधर तीन का एक कर देंगे ऐसे सीधा बनाते हुए। फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब देखो ये दो फंदे जो है इस साइड वाले जो हमने बचाए थे सीधे लिए थे, वो हम ऐसे लेंगे और ये तीन फंदे ऐसे ले लेंगे। पहले इन दोनों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे ऐसे, 1, फिर ऐसे बुनेंगे 2। अब देखो इसको ऐसे कर लेंगे 3 का 1। अब ये जो सीधे फंदे इनको तो हम सीधा ही बनाएंगे, ये छह फंदे, 2 3 4 5 6, सॉरी 5। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक फंदा, सॉरी नहीं इनको बुनेंगे नहीं, सॉरी मैं भूल गई थी, ट्विस्ट करेंगे। ये तीन फंदे इस तरह से पकड़ेंगे, इन दोनों फंदों को इधर लाएंगे और ये 3 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा ऐसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे कर लेंगे। फिर देखो ये दो फंदे जो हैं इस साइड से ऐसे पकड़ेंगे, ये लाके ऐसे, वन टू। ये देखें, फिर बाकी के छह फंदे ऐसे ही बनाएंगे सीधे। आई नो कि डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आगे तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब आठवीं सिलाई पूरी हम उल्टी बना लेंगे, तो इसे मैं ना थोड़ा सा आपको बता के बैक कैमरा बना लूंगी। ये देखिए, ये बना लिया हमने 8 सलाइयां, ठीक है। अब ये डिजाइन हमारा इस तरह से आया बन के, ये देखिए आप ध्यान से। अब देखिए, अब 9 बाकी की जो 8 सलाइयां यानी कि 16 सलाई में कंप्लीट होगा, वो कैसे बनानी है वो समझिएगा। ये वाला डिजाइन इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो प्लेन वाला डिजाइन है इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये प्लेन वाला डिजाइन इधर आएगा, तो यानी 6 सलाई, शुरुआत की 4 सलाइयां, ये वाले 6 फंदे सीधे बुनेंगे और 6 फंदे उल्टे। पहले हमने 6 फंदे उल्टे बुने थे, अब सीधे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करके 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5
सिक्स, धागा अपनी तरफ, छह फंदे उल्टे सीधे पे, उल्टा आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा पीछे, फिर से देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, छह फंदे उल्टे सीधे पे, उल्टे उल्टे पे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे देखिए इस तरह से। रॉन्ग साइड से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, तो इसको मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए सेकंड रो हमने रॉन्ग साइड से बना ली, यानी कि टेंथ रो, ठीक है। दसवीं सिलाई बना ली, अब हम आएंगे ग्यारहवीं सिलाई पे। ग्यारह और बारह सेम बनेगा जैसे हमने ये अभी नौ और दस बनाई है, ठीक है। यानी कि छह फंदा सीधा और छह फंदा उल्टा, तो इसको मैं छह फंदा सीधा और छह फंदा उल्टा बना लेती हूँ। एज स्टिच सीधा, उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। बारहवीं सिलाई पूरी उल्टी, ट्वेल्थ रो। अब आ गए रो नंबर थर्टीन पर, तो रो नंबर थर्टीन देखो कैसे बनाएंगे। इनको तो सीधे ही बना लेंगे सिंपली, जो छह फंदे सीधे बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि जो लीफ वाला डिजाइन है वो पड़ेगा उल्टे फंदों पे। यहां पे देखो दो फंदे सीधे, वन टू, अब यहां पे एक से तीन, वन टू और ये थ्री, फिर एक से तीन, वन टू थ्री, फिर दो फंदे सीधे, वन टू, बाकी के फंदे छह फंदे सीधे, थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए यहाँ पे इस पे डिजाइन पड़ेगा उल्टे फंदों पे, दो फंदा सीधा बना के यहाँ एक से तीन करेंगे, वन ऐसे ऐसे, एज स्टिच भी सीधा बनेगा। फोर्टीन रो पूरी उल्टी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक से तीन फंदे बनाए हैं ना उनको स्लिप कर लेंगे। ये देखो वन, ब्लर हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, टू वन, बाकी के जो फंदे सब उल्टे बनाएंगे, जो स्लिप करने वाले फंदे हैं ना उन्हें स्लिप कर लेंगे। यानी कि जो पिछली रो में हमने एक से तीन बनाए था उन्हें हम स्लिप कर लेंगे इस सिलाई पे। ये देखो ऐसे स्लिप, यानी कि बिना बुने लेंगे। देखिए अब हम इनको ट्विस्ट कर देंगे पंद्रहवीं सिलाई पे, फिफ्टीन रो पे। तो ये छह फंदे तो पहले हम ऐसे सीधे बना लेते हैं, अब ट्विस्ट करेंगे। ये जो दो फंदे सीधे हैं ना इनको इधर रखेंगे ऐसे, और ये तीन फंदा जो है इनको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे ऐसे छोड़ेंगे, इन दोनों फंदों को हम इस साइड लेकर आएंगे, और ये तीन का एक करेंगे पहले, तो फिर यहां दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बना लेंगे। फिर देखो ये जो दो फंदे सीधे हैं इनको फिर बैक साइड से लाएंगे ऐसे, क्योंकि फ्रंट साइड से हमें लाने हैं ना ये तीन फंदे, तो ऐसे फ्रंट साइड से आएगा। ये पहले ये दो फंदे बनाएंगे सीधे, फिर ये तीन फंदे से एक बना देंगे, छह फंदा सीधा, फिर दो सॉरी यहां पे ये ट्विस्ट कर लेंगे,
ऐसे। फिर ये दो फंदे बैक साइड से पकड़ेंगे, रॉन्ग साइड से पूरी रो हम 16th रो उल्टी बना लेंगे। और गाइस अगर आप लोगों को कोई भी डिजाइन सीखना है, कुछ भी बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैसेज करना, फॉलो करके मैसेज करना, अदरवाइज मैसेज जो है हाइड हो जाते हैं, मुझे दिखाई नहीं देते, स्पैम में चले जाते हैं। तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां पे आप मुझे फोटो भेज सकते हो, बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग कहते हैं बात करने का, तो वहां पे आप कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है, वहां पे भी मैं निटिंग पैटर्न्स, निटिंग डिजाइन्स डालती हूँ। अगर आप लोग निटिंग पैटर्न्स के बहुत ज्यादा शौकीन है तो मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, और गाइस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे कि मेरी वीडियोज जो है सभी लोगों के पास पहुंच सके, आप लोगों के साथ साथ। देखिए 16 रोज का डिजाइन है और इतना खूबसूरत बन के आया है, आप यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बना है। मैंने थोड़ा सा और बना के रखा हुआ है, इससे थोड़ा सा बड़ा ही पैटर्न बनाया है, ये देखिए इस तरह से। जब आप इसे ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने सैंपल बताया आपको, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, कहीं भी डालिए, हर जगह बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।